अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। होपफुली सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आज बहुत ही मज़ेदार से कलेजी बना रही थी, मैंने सहरी में बनाई थी, मतलब कि 2:30 बजे ही बनाई थी, ठीक है। और ये वीडियो जो है वो 2-3 दिन पहले की वीडियो है, तो चलिए आए स्टार्ट करते हैं फटाफट से हमारा व्लॉग और मेरी रेसिपी मज़ेदार सी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था कि गर्म पानी में ना कलेजी को सिरका डाल के भिगो दिया था, 2 टेबल स्पून के करीब सिरका, ठीक है। वो भीग गई थी ना अच्छी तरीके से, उसका खून का पानी ड्रेन करके ना काफ़ी साफ़ सुथरे करके, तो फिर जो है ना मैंने इसको पतीली में डाला था और डाल के फिर मैंने इसमें तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के प्याज और तकरीबन 1 बड़ा साइज़ का टमाटर था वो इसको पील करके कट करके डाला था, ठीक है। और इसमें अदरक लहसुन का 1 क्यूब डाला था, क्योंकि 1.5 टेबल स्पून होगा, ठीक है। इसके बाद ये स्पाइसेस थे जिसमें कि सफ़ेद ज़ीरा था, नमक था, हल्दी और सुरख मिर्च का पाउडर और तो धनिया पाउडर था बस। ये जो बेसिक हमारे रूटीन के मसाले ना वही थे इसमें, ठीक है। बस ये डालकर तो फिर मैंने इसको ऑयल डालकर तो चढ़ा दिया था, पानी डाल के जितना एज रिक्वायर्ड कलेजी गल जाए, कलेजी हुई गल जाती है, इतना मसला नहीं होता। बस ये कि आप उसमें बार बार चम्मच ना चलाएं, चम्मच ना हिलाएं। मेरे मुताबिक तो ये है कि गोश्त हो या दाल हो, जो भी हो, जो आप चढ़ा देना तो उसमें बार बार उसमें चम्मच मारने से ना एक तो दाल भी कट जाती है, और अगर तो आपका गोश्त भी होगा ना किसी भी का तो बार बार चम्मच मार के ना तो वो भी एंट जाता है। तो इसलिए जो है ना बस चढ़ा दिया है, चढ़ा के बस 2-3 मिनट 4 मिनट तेज़ आंच पे, फिर हल्की आंच पे करके तो उसको रख दें, तो इंशाल्लाह जो भी चीज़ होगी वो गल जाएगी, ठीक है। इसके बाद वह इस कलेजी जो है वो गल चुकी थी, फिर मैंने इसकी भुनाई करी और मैंने भूनते वक्त इसमें थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डाली है, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब, यानी कि 1 टेबल स्पून इसमें कुटी मिर्चों का शामिल करा था। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल बनती है और अल्हम्दुलिल्लाह एट द टाइम ही फिनिश्ड हो गई थी। माशाल्लाह मेरे देवरों को, मेरे हस्बैंड को बहुत ही पसंद आए और बहुत ही शौक से उन लोगों ने पराठों के साथ खाई थी और फिनिश कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद ये सूखी मेथी है, ये मैंने इसमें डाली है तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब, लेकिन इससे पहले कि मैंने इसको डाला है इसको मैंने अच्छी तरीके से साफ़ किया है, मतलब इसमें जो मोटे मोटे डंठल होते हैं वो निकाल के, तो फिर मैंने इसको पटक्का है, मतलब कि इसमें से मट्टी, क्योंकि मट्टी भी काफ़ी होती है, मैं हमेशा भिगो के जो है वो मट्टी नीचे बैठ जाती ना तो फिर ऊपर ऊपर से डाल देती हूँ, लेकिन इस बार जो है ना मैंने ऐसी पटक कर जो है ना साफ़ करके हाथ से मल के तो फिर मैंने इसमें ऐड करी थी। बहुत ही जायके वाली ज़बरदस्त सी कलेजी बनती है, मसाले वाली। तो अगर तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा और मेरी कलेजी की रेसिपी जो है वो क्या नाम है ट्राई नहीं की, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा बिला खौफ, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी मज़ेदार से आप भी बना सकेंगे। और मैंने यहाँ पर हरा धनिया और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला यहाँ पर मैंने ऐड किया था, ठीक है, लास्ट में चूल्हा बंद करके। और अब थियास के देखिए इसके फाइनल लुक, ज़बरदस्त सा ऑयल भी ऊपर आ गया है, सेपरेट हो गया है, मसाला भी है ज़बरदस्त सा, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल बनती है। ज़रूर मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको आपकी फ़ैमिली को बहुत पसंद आएगी। और यहाँ पर जो है मैं अब इसको डिश आउट कर रही हूँ, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो लाजमी तौर पर मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में बहुत बहुत याद रखिएगा। ये थी जी इसके फ़ाइनल लुक, बे इंतहा मज़ेदार और लजीज बनी थी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी आपको क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।